हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइज थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, आपने चैनल को इतना प्रेज किया उसके लिए धन्यवाद। सो गाइज जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा, मैंने वोटिंग करी थी तो उसमें तीन ऑप्शन रखे थे, तो जो ऑप्शन आपने सबसे ज़्यादा सेलेक्ट किया मैंने आज वही उस पर वीडियो रखी है। आज हम बात करेंगे निसान मैग्नाइट के बारे में, उससे रिलेटेड जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके आंसर मैं आपको दूंगा और बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। सो गाइज मेक श्योर आप एंड तक वीडियो देखें क्योंकि इन सभी सवालों में आपका सवाल भी छिपा हो सकता है। सो सबसे पहला जो सवाल है मैंने पिक किया है, विच वेरियंट ऑफ निसान इज गुड, मतलब निसान मैग्नाइट का सबसे अच्छा वेरियंट कौन सा है। और मैंने आपको ऑलरेडी वेरियंट एक्सप्लेनेशन की वीडियो बताई है, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में जाके देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो सबसे प्राइस में वर्थ रखता है वो है एक्सी वेरियंट, जो बेस मॉडल है वो सबसे ज़्यादा वर्थ रखता है इसमें। और अगर आप थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, एक्सी प्रीमियम की तरफ जाते हैं, तो नेचुरल एस्पिरेटेड में एक्सवी आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसके अलावा टर्बो में अगर आप जाना चाहते हैं और अपग्रेड कर सकते हैं तो एक्सवी प्रीमियम में आपको काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। सो गाइज यहाँ पे तो इतना मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, और डिटेल में देखना है तो आप आई बटन में देख सकते हैं। इज निसान ट्रस्टवर्दी, मतलब निसान कंपनी क्या भरोसे के लायक है, इसकी कार खरीदें या नहीं खरीदें, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर। मैंने एक वीडियो इसके रिलेटेड भी डिटेल में बनाया है, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। निसान ग्लोबली एक बहुत अच्छी कंपनी है, बट कोरोना की जो मार है इस ग्लोबली इस कंपनी पर भी पड़ी है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर पे पड़ी है। बट निसान एक पुरानी ब्रांड है और ट्रस्टवर्दी ब्रांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो निसान के बारे में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंडिया में अभी स्टैब्लिश कर रहे हैं, पिछले 10 साल से पूरी कोशिश कर रहे हैं और अभी भी ये पूरा अपना 100% दे रहे हैं इंडिया में कि स्टैब्लिश कर जाएं। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है किसी भी कंपनी के लिए, इसे जल्दी से कोई भी छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैग्नाइट हिट हो जाती है तो निसान बहुत अच्छे तरीके से बाउंस बैक करने वाला है इंडिया में। सो निसान एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड तो है। निसान मैग्नाइट क्या सेफ है हमारे लिए, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि ट्रिकी होता है। सेफ सब कुछ है और सेफ कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। आज हम इस घर के अंदर बैठे हैं और बारिश हो जाए तो ये घर सेफ है, आप इस चीज़ से समझ लेना, ये घर सेफ है अगर बारिश में हम इसके अंदर बैठे हैं। और अगर अभी अर्थक्वेक आ जाए तो कोई कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है ये अनसेफ भी हो जाए, हो सकता है हम बच जाए तो सेफ हो जाए। तो सेफ्टी जो है वो कंडीशनल है, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, जल्दी आपके सामने पेश करूँगा। तो सेफ्टी अभी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको इस कार के अंदर मिल रहे हैं, और सेफ्टी आपकी ड्राइविंग सेंस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, आप किस तरीके से कार को चलाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कोई कार एक्सीडेंट होता है या कार की सेफ्टी को लेके आपकी ड्राइविंग सेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप हाईवे पे चलते हैं, जब आप हिली एरिया पे चलते हैं, तो एक तरीके से ड्राइविंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहरहाल अभी ग्लोबल एनकैप का जो क्रैश टेस्ट है वो आना बाकी है, बट ग्लोबल एनकैप भी एक सर्टेन लिमिट तक इसको क्रैश टेस्ट करती है, वो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। और अगर आप इस कार को 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा किलोमीटर पे या उससे कम में भी 64 अबव चलाते हैं तो क्या पता ये कितनी सेफ है कितनी अनसेफ है, या जो क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग लेके आ रही है वो भी कितनी सेफ होगी अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाते हैं। हाँ इतना ज़रूर होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डैमेज है उन कार में कम होगा, अगर जो 5-स्टार रेटिंग लेके आ रही हैं, जो 5-स्टार से कम ला रही हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा होगा, बट कोई लाइफ गारंटी आपको किसी भी कार में नहीं मिलती। 1 लीटर जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है क्या वो अंडर पावर्ड है? सो गाइज सबसे पहले तो सीसी पे मत जाइए, आप पावर को देखिए, टॉर्क को देखिए, उसके हिसाब से जजमेंट लीजिए और आपको कहाँ चलानी है उसके हिसाब से देखिए। अगर आपको हिल स्टेशन पे चलानी है तो कोई और कार आप ले सकते हैं, अगर आपको सिटी में चलानी है तो ये कार अंडर पावर आपको नहीं लगेगी, आपको हाईवे पे चलानी है तो भी ये कोई इशू नहीं करने वाली है। हाईवे पे मैं 1 लीटर इंजन की बात कर रहा हूँ, बिल्ड क्वालिटी को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, सो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, मेरी पिछली वीडियो से लिंक मत करिएगा इसको। सो यहाँ पे मैं 1 लीटर की बात कर रहा हूँ, वो हाईवे पे भी चलते हैं और अच्छे चलते हैं, कोई इशू नहीं आता, अंडर पावर आपको कुछ भी फील नहीं होने वाला है। इसका टर्बो जो इंजन है वो काफ़ी अच्छा है और CVT काफ़ी स्मूथ इंजन है, तो इसके अकॉर्डिंग आप जजमेंट ले सकते हैं। हाँ तो फिट एंड फिनिश भी पूछी गई है, फिट एंड फिनिश कैसी है? सो मैं आपको ये बता दूं, कार के अंदर दो टाइप के ग्रेडिंग होती है, ए सरफेस और बी सरफेस। ए सरफेस वो होता है जो हमें दिखता है, हमें सामने दिखता है, मतलब स्टेयरिंग हो गया, BIW पार्ट हो गया, जो स्किन पैनल होता है बॉडी का, जो हमें दिख रहा है।
और बी टाइप होता है उसमें वो ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है, तो वहाँ पे मैं कहूँगा बी जो टाइप है, बी सरफेस जो एरिया है, वो सरफेस कार का थोड़ा सा आपको फिट एंड फिनिश में अच्छा नहीं दिखेगा, लुक वाइज अच्छा नहीं दिखेगा, बट जो ए सरफेस है जो हमें दिखता है वो अच्छा फिनिश्ड है। इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग मिली हुई है और मैं कहूँगा किसी भी बड़ी कार से इसका कंपैरिजन हम कर सकते हैं फिट एंड फिनिश में। मैं BMW की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं 10 लाख अबव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी सेगमेंट की 5 से 10 लाख के बीच की जो कार है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छी फिनिश इस कार के अंदर आपको मिलती है। निसान मैग्नाइट 7 सीटर है या फ्यूचर में आ सकती है, ये सवाल भी पूछा गया। 7 सीटर नहीं है, ये 5 सीटर कार है और फ्यूचर में अभी कोई प्लान नहीं है कंपनी का। सबसे पहले तो इसकी सक्सेस को देखा जाएगा, उसके बाद कोई प्लान होगा तो होगा, अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं है 7 सीटर का। क्या निसान मैग्नाइट में CNG हम लगवा सकते हैं? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें डिटेल वीडियो ड्राइवर का भी बनाया हुआ है CNG का लेके, आप उसको देख सकते हैं, बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। अब मैं थोड़ा आपको यहाँ पर ब्रीफली समझा देता हूँ। जब भी आप CNG लगवाते हैं तो आपकी वारंटी लैप्स हो जाती है। सेकंड, आप CNG लगवा तो लेंगे, वो कार इंजन उसको चल भी जाएगा, परफॉर्म भी कर जाएगा, बट कंपनी बहुत सारे टेस्ट करती है जब भी CNG किट को फिट करती है अपने एंड पे, CNG लगाती है, आपके इंजन में भी चेंज होते हैं, ट्यूनिंग में चेंज होते हैं, मटेरियल्स में चेंज होते हैं, टॉलरेंसेज में चेंज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। ये रीज़न है कि मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप एक नॉर्मल पेट्रोल कार में CNG लगवाएं बाहर से। वो चल जाएगी, आप चला सकते हैं, काम भी करेगी और मैं ये कहूँगा आपको 80 और 1 लाख किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं करने वाली, ये भी होगा। बट जनरली जो एक कंपनी की पॉलिसी है, जो कंपनी काम करती है जिन पैरामीटर्स पे, वो आपको पास होके नहीं मिलते हैं अगर आप बाहर से फिट करवाते हैं। वो आपके ऊपर है, अगर आप लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, उसमें चल जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नेचुरल एस्पिरेटेड जो 1 लीटर इंजन है उसमें, टर्बो में ये कामयाब नहीं होने वाली। सो अगर बात करूँ प्राइस वर्सेज वर्थ की, तो बहुत वर्थ रखती है ये कार अपने प्राइस रेंज में, इस सेगमेंट में। बिल्ड क्वालिटी की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं। तो इस सेगमेंट की बात करूँ, इस प्राइसिंग में बात करूँ, तो बिल्ड क्वालिटी भी रीजनेबल है, इतना कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ऐसी बहुत सारी कारें जो बिकती भी हैं इस वक्त इंडिया में और उनकी 0 स्टार रेटिंग, 2 स्टार, 1 स्टार रेटिंग आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी जो ड्राइविंग है उसको सही रखना है, सेफ्टी अपने आप आपको मिलेगी। हाँ, बस मैं वही रिपीट करूँगा, जो 5 स्टार लेके आ रही है वो थोड़ी ज़्यादा सेफ है कुछ सर्टेन पैरामीटर्स पे, 100% वो भी नहीं कहता कि वो हर एक्सीडेंट बियर कर जाएगी। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसमें भी, अगर मैं ग्लोबल NCAP की बात करूँ, किस स्टैंडर्ड पे वो टेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके का टेस्ट कर रहे हैं। सो गाइज, अगर आपके क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे और क्वेश्चन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइज। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय।